नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। शिक्षक दिवस पर कल हुआ राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। विद्यार्थियों के लिए प्रकृति दौरा, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और द्वीप समूह में कल से शुरू होगा गणेश चतुर्थी का पर्व। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। कल डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस पर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के योगदानों को महत्व देते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर पूरे देश के साथ इन द्वीपों में भी शिक्षक दिवस मनाया गया। इसी सिलसिले में शिक्षा निदेशालय द्वारा कल शाम टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार झा समारोह में मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में उप शिक्षा निदेशक एमवी जॉली, कार्यालय प्रमुख व डीडीई डॉ. ज्ञानशील दुबे, मॉडल स्कूल की प्रधानाचार्य संगीता चंद, टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मंजुलता राव एवं शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षाविद मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया, साथ ही उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी दीप प्रज्वलित किए। समारोह में शिक्षकों द्वारा रंगारंग नृत्य प्रस्तुति दी गई। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ने 33 शिक्षकों को उनके समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित किया। Government Senior Secretary Srimati Tahira Anjum, Tennis School Hydro, Telugu Medium. Srimati Sarita Devi Rai, Government Senior Secretary School Swara. Shrimishwari, Vocational Education Club, PGT. PGT High School Girls. PGT Geography. इस बीच अपने संबोधन में शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों से विद्यार्थियों के जीवन को संवारने और उन्हें देश का बेहतर नागरिक बनाने में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। शिक्षक दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। शिक्षक दिवस हमारे समाज की एक यात्रा का अहम पड़ाव है, जिसमें शिक्षक, जैसा कि हम लोग कार्यक्रम के प्रारंभ में गुरु गोविंद दो खड़े काको ला दो पाए से शिक्षक की जो आज स्थिति है, उस यात्रा के समालोचना या फिर हम कहें आत्मचिंतन का समय है। शिक्षक होना एक समाज में न केवल एक सामान्य पेशा है, बल्कि एक सबसे बड़ा दायित्व है कि हम समाज निर्माण के लिए एक सबसे सशक्त धुरी के रूप में शिक्षक को देखते हैं। शिक्षक दिवस की क्या भूमिका है, कैसे भूमिका है, आप लोग सभी जानते हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षक की समाज में उनकी जो स्थिति है, वो जो जिस रूप में डिग्रेड हुई,
वो आज अधिक चिंता का विषय है। आज के इस दौर में पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। पोर्ट ब्लेयर का पर्यावरण एवं वन विभाग पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर के उप वन संरक्षण का कार्यालय द्वारा आज ब्रिजगंज की आर्मी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए प्रकृति दौरा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दौरे के दौरान रक्षा पत्नी कल्याण संघ के सहयोग से विद्यार्थियों को हैडो के प्रकृति केंद्र तथा व्याख्या केंद्र ले जाया गया, जहां अपशिष्ट सामग्रियों से तैयार वन्य पक्षियों को उन्हें दिखाया गया। बाद में तितलियों के बागान के अंदर से तितलियों को छोड़ा गया। इस बीच विभिन्न वन अधिकारियों द्वारा द्वीप समूह की जैव विविधता, सुंदरता और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पक्षियों और पशुओं के बारे में जानकारी दी। चार स्टेजेस होता है, आप जानते हैं कितना स्टेजेस होता है? फोर। एग होता है, कैटरपिलर, पीपा बोलते हैं उसे, पीपा करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं बटरफ्लाई। तो अब पोल्यूशन के बढ़ने के कारण बटरफ्लाई का तादाद बहुत कम हो चुका है, तो हम इसका कंजर्वेशन करते हैं। इस दौरान हम सबसे पहले क्या करते हैं, एग या फिर लार्वा कलेक्ट करते हैं, उसे फिर हम अपने रेयरिंग सेंटर में रेयर करते हैं। रेयर करने के बाद जब सारे स्टेज रेयर कर लें, रेयर करने के बाद जब बटरफ्लाई बनता है तो उसे वापस हम यहाँ पर, और बर्ड वॉचिंग जो करते हैं, जो साइंटिफिक स्टडी जो करता है बर्ड वॉचिंग, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और जो बर्ड वॉचिंग जो साइंटिस्ट रहते हैं उनको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। हम करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। ठीक है, और ये हॉबी काफी अच्छी है, क्योंकि अगर बर्ड वॉचिंग का हॉबी आप रखते हो तो जब भी आप फील्ड में जाओगे तो फील्ड में देखो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आप जब वॉक करोगे मॉर्निंग में, आपका आईसाइट अच्छा रहेगा, आप बर्ड को देखेंगे और फॉरेस्ट को देखेंगे, और आप में पेशेंस जनरेट होगा कि जैसा जब वो हम बर्ड वॉचिंग के लिए गए और बर्ड को हम देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं काफ़ी, तो आपका पेशेंस भी जनरेट होता है उससे। ठीक है, उसको कैसे पहचानते हैं, बर्ड्स के कैरेक्टर, उसके कलर, उसके सेप, उसके साइज, उससे हमको बर्ड पहचानना है। तो आपको कभी भी नोटपैड में लिखना है, उसके बाद जब आप अपने क्लास में या रूम पे आओगे तो बुक्स होता है, बुक्स में आप रेफर करोगे जो आपने नोट किया है फील्ड में कि बर्ड्स कैसा दिखता था, कौन सा कलर का था, क्या साइज था। ठीक है, तो वो हमें रेफरेंस के लिए वो लिखना पड़ता है बर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। हार्कंडम हॉर्नबिल ये अंडमान निकोबार में सिर्फ हार्कंडम आइलैंड में ही मिलता है। दूरदर्शन से बातचीत के दौरान उप वन संरक्षक संदीप बेहरा ने बच्चों के लिए आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया। तो ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम है प्रकृति शांति निकेतन के नाम से। तो हमारा हैडो में एक नेचर पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसमें हमारे अलग अलग चीज़ें नेचर के रिलेटेड है। जैसे सबसे देश का सबसे बड़ा बटरफ्लाई कंजर्वेटरी यहाँ पर है, फर्नारियम है, ऑर्किडेरियम है, मेडिसिनल प्लांट गार्डन है, एक एक्वेटिक सेक्शन है, लावा रियरिंग रूम है। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो बच्चों को दिलचस्प दिलाता है और उनमें एक नेचर के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ाता है। तो आपको मैं बता दूं, जो प्रकृति शांति निकेतन नाम आया, सो ये प्रोग्राम शुरू हुआ PCCF सर के गाइडेंस से, और हमारे CCF सर संजय वराडकर सर के गाइडेंस से प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो प्रकृति शांति निकेतन का ये मतलब हुआ कि जैसे शांति निकेतन है, इट मीन्स अबोर्ड ऑफ पीस, और प्रकृति शांति निकेतन मीन्स द नेचर्स अबोर्ड ऑफ पीस। सो इट इज़ अ नेचर क्लासरूम प्रोग्राम। आप अभी क्लासरूम भी जाएंगे तो देखेंगे इट इज़ अ ओपन क्लासरूम। हम जो भी सिखा रहे हैं कोई क्लोज क्लासरूम में नहीं, इट इज़ समवेयर इनसाइड अ नेचर रिलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर रह के वो सीख रहे हैं। तो वी से इट एज अ नेचर क्लासरूम। आज का तो वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड फॉर 25 स्कूल्स टिल नाउ, टचिंग मोर देन 1000 किड्स। हम इसका ये तात्पर्य रहता है कि अगर 1000 बच्चों को हम ऑलरेडी टच कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी टच करेंगे, एक नेचर के प्रति जागरूकता रहेगी, कहीं ना कहीं उनके इको क्लब स्कूल में एक्टिवेट हो जाते हैं, और ऊपर से उनके थ्रू उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स को और ज़्यादा चीज़ें पता चलता है।
तो ये प्रोग्राम है और इसमें हमारा क्लासरूम सेशन भी रहता है। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ के बारे में बताते हैं, स्नेक के बारे में बताते हैं, एंडेमिक बर्ड्स के बारे में बताते हैं, मशरूम्स के बारे में बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ एक ड्राइंग कंपटीशन कराते हैं, क्विज कंपटीशन कराते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। बच्चों को रिफ्रेशमेंट के तौर पर आप देखेंगे कि बिना कोई वेस्ट जनरेट किए कैसे रिफ्रेशमेंट्स वगैरह दिया जाता है। तो एक अच्छा एजुकेशन सा मिलता है इनको एनवायरनमेंट के प्रति। और आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो दावा अंडमान्स निकोबार रीजन के तरफ से और हमारे कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा दावा के मैडम सिंगन मैडम को भी कि उन्होंने ये प्रोग्राम करने का इनिशिएटिव लिया है, और बाकी एएनसी कंपोनेंट के सदस्यों को भी कि उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट करके आर्मी स्कूल के बच्चों को यहाँ लेके आए हैं और बड़े दिलचस्प तरीके से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। गणपति बप्पा मोरिया गणेश उत्सव 1900 के दशक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने के लिए महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। आज यह उत्सव केवल महाराष्ट्र ही नहीं देश के हर हिस्से में पूरे उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। पूरे द्वीप समूह में कल से गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर पंडालों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। लोग भगवान गणेश की आराधना करते हैं और उनका पसंदीदा भोग लड्डू को चढ़ावा के रूप में अर्पित किया जाता है। भगवान गणेश का पसंदीदा व्यंजन लड्डू है। फोर सीजन इवेंट मैनेजमेंट के शेफ अश्वर पाल सिंह हर साल की भांति इस साल भी भगवान गणेश के भोग के लिए लड्डू तैयार किया है। वे अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस साल गणेश पूजा समारोह के लिए 2144 किलो का लड्डू तैयार किया है। आज शाम फोर सीजन इवेंट मैनेजमेंट कार्यालय में प्रेस तथा मीडिया के समक्ष अनावरण समारोह हुआ, जिसमें शेफ अश्वर पाल सिंह ने इस लड्डू की तैयारियों के बारे में बताया। क्योंकि ये 5 दिन का मेहनत है हमारी पूरी टीम की तरफ से जो ये चीज हम बना पाए हैं एक्चुअली, और बप्पा का बहुत बड़ा आशीर्वाद। उसी के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ बप्पा के लिए जो हमने भोग बनाया है, गणेश भोग यात्रा 2024 में। एक हिस्टोरिक लड्डू है ये, जो अंडमान एंड निकोबार के इतिहास में सबसे बड़ा आई थिंक अब तक का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए प्रेजेंट करते हैं, आपको दिखाते हैं अंडमान एंड निकोबार के पूरी जनता को गणेश भोग यात्रा 2024 का यह सबसे बड़ा लड्डू। हमने एक्चुअली जब लड्डू बनाना शुरू किया था, मैंने बहुत साल पहले यूट्यूब में देखा था कि लड्डू बना रहे थे लोग काफ़ी बड़े साइजेस में। तो मैंने सोचा था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ऐसा कुछ करूँगा। तो ये प्रोसेस हमने 2014 से शुरू किया था, जब हमने 11 किलो का लड्डू बनाया था, छोटा ही साइज था वो, बट आई थिंक तब से शुरुआत हो गई थी। और उसके साथ ही साथ हम हर साल बनाते गए और उसके साथ ही साथ आज हम 2000 केजी भी क्रॉस कर चुके हैं। तो आई थिंक ये भगवान का एक, ये मेरा तरीका है भगवान को भक्ति दिखाने का। और मैं एज ए शेफ एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ यूनिक चीज़ें कर सकूँ हमेशा, और इससे हमारे अंडमान निकोबार का नाम हमेशा ही हर जगह पे रोशन हो चुके। नेताजी स्टेडियम गणपति पंडाल तक कल दोपहर 2 बजे इस लड्डू को लेकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
जो पूरे शहर में घूमेगी। शेफ ने सभी भक्तजनों से इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में शामिल होने की अपील की है। आज ये दर्शन के लिए सबके लिए खुला हुआ है और कल यहाँ से अंडमान निकोबार की पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कल वीआईपी रोड फोर सीजन ऑफिस से यात्रा निकलने वाला है दोपहर 2 बजे और यहाँ से नेताजी क्लब के तक हम जाएंगे। नेताजी क्लब पे लड्डू को हम भगवान को चढ़ाएंगे और यहाँ से जो रूट हमने तय किया है वो है वीआईपी रोड से जंगली घाट डेयरी फार्म जंक्शन, वहाँ से फिर जंगली घाट जाएंगे, वहाँ से मिडिल पॉइंट से मॉडल स्कूल, मॉडल स्कूल से घंटाघर और फिर वहाँ से हम नेताजी क्लब की ओर प्रस्थान करेंगे। अंडमान लॉ कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों ने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से कल शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस उपलक्ष्य में शिक्षकों के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उपसचिव एस पांडेमल थी। प्रभारी प्राचार्य डॉ जोजीबेट विंसेंट ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और छात्रों के बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास पर शिक्षकों के गहन प्रभाव पर जोर दिया। साथ ही शिक्षकों के जीवन में छात्रों के पारस्परिक सीखने और समृद्ध अनुभव के साथ साथ शिक्षकों के जीवन में भी छात्रों के अनुभव को समृद्ध किया। इस दिवस का मुख्य आकर्षण छात्रों द्वारा नृत्य प्रदर्शन और भावपूर्ण सहित श्रद्धांजलि की एक श्रृंखला थी। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। अपोलो क्लिनिक द्वीपवासियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने जा रहा है, जिसके तहत 7 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक डिगलीपुर के सूर्या मेडिकल स्टोर तथा वहीं 8 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक रंगत के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार और 9 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कदमतला की ग्राम पंचायत के सामुदायिक हॉल में शिविर आयोजित होगा। इच्छुक नागरिक इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं, अपने और अपने परिवारजनों का निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच कराएं। चलिए हमारे साथ वनों के खजानों को ढूंढने, उनसे मिलती अमूल्य सेवाओं को समझने। हवा, जल, औषधि, आहार और पोषण प्रदान करते ये वन। जानिए कैसे वनों की पारिस्थितिक सेवाओं का महत्व समझकर हम सभी के लिए एक सतत भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर, और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, डीटीएच पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल पूरे द्वीप समूह के स्कूलों में शिक्षक दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। देखिए एक रिपोर्ट। आरजीटी पब्लिक विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त स्नातक शिक्षक दलविंदर सिंह तथा उनकी धर्मपत्नी सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक दर्शन कौर मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण, नृत्य गीत तथा गुरु मंत्र उच्चारण के साथ हुआ। इससे पहले कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों की भूमिका निभाते हुए कक्षाएं आयोजित की गई। समारोह में मुख्य अतिथियों द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस दौरान स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन स्कूल की प्रधानाचार्य गीता बनर्जी द्वारा किया गया। ज्वाइंट एक्शन तेलुगु कमेटी द्वारा आज केंद्रीय विद्यालय 1 में वृक्षारोपण शिविर आयोजित किया गया।
इस अवसर पर पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव अमित काले मुख्य अतिथि थे, जबकि स्कूल के प्रधानाचार्य सुखविंदर सम्मान्य अतिथि थे। इस मौके पर ज्वाइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी के अध्यक्ष जी प्रसाद, महासचिव बी हेमा राजू, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के कर्मी तथा स्कूल के शिक्षक गण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगरपालिका सचिव के साथ अन्य गणमान्य लोगों ने भी स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया। इस बीच अतिथियों ने वृक्षारोपण को जन धन तक पहुँचाने पर जोर दिया। आज का जो ये ट्री प्लांटेशन का ड्राइव था, मुझे इनवाइट किया गया जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी की तरफ से इन केंद्रीय विद्यालय, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसका एक मैसेज हर घर में, हर स्टूडेंट्स को, हर टीचर को, सबको जाता है कि जो इम्पोर्टेंस है ट्री प्लांटेशन का, जो अल्टीमेटली हमारे आगे जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हीं को बेनिफिट मिलने वाला है। तो इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉल है एक पेड़ माँ के नाम, इसी के अंतर्गत हमने ये प्लांटेशंस कराए हैं। सो इट्स अ वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव। प्रिंसिपल साहब यहाँ पर हैं, जॉइंट एक्शन की टीम हमारी यहाँ पर है, एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर हियर, एंड इट हैज़ बीन अ वंडरफुल इनिशिएटिव ऑफ प्लांटेशन, एंड आई होप आगे चल के भी यही इनिशिएटिव हमारे जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी आगे चल के भी बाकी स्कूल्स में भी ये इनिशिएटिव कराए। एंड इसका जो ट्री का मेंटेनेंस है, आई विल अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल एंड द प्रिंसिपल साहब ऑल्सो कि इसका मेंटेनेंस आगे चल के बनाए रखे, ताकि इसका बेनिफिट 10 साल बाद अगर मैं आऊँ यहाँ पे वापस पोस्टिंग में, तो आई कैन सी दैट कि द ट्रीज आर ग्रोन। मैं जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने पीएम श्री क्रमांक एक पोर्ट ब्लेयर को ट्री प्लांटेशन ड्राइव के लिए चूज़ किया। साथ ही सेक्रेटरी पीबीएमसी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने। और ये जो ट्री प्लांटेशन का मैसेज है बच्चों के थ्रू उनके परिवारों तक जाएगा, और हमारे बच्चे स्कूल की अलग अलग गतिविधियों के द्वारा भी इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटाइज हैं, और इस सेंसिटाइजेशन की जो प्रोसेस है इसको और मोटिवेशन मिलेगी और इन्फोर्समेंट मिलेगी, और हमारे बच्चे इन्वायरमेंट के लिए अपने घरों तक भी ये मैसेज कैरी करके जाएंगे और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक हैं, और उनकी जागरूकता और ज़्यादा बढ़ेगी। और हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो ट्री प्लांटेशन स्कूल कैंपस में हुई है उसका ध्यान रखा जाएगा, और ये सैम्पलिंग बहुत जल्दी या नियर फ्यूचर में एक फुल फ्लेज पेड़ों के रूप में ग्रो करेंगे और ये फ्रूट देंगे, छाया देंगे, जो भी इनका ऑब्जेक्टिव हो। बुनियादाबाद के मुथु मारियमन मंदिर में आज आरंभा गणपति कुंभ अभिषेकम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्र उच्चारण के साथ गणपति की विशेष पूजा अर्चना एवं आरती हुई। इस पूजा कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। और अब मौसम।
आगामी 9 सितंबर तक अंडमान तथा निकोबार तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब होने की आशंका है। मछुआरों को 9 सितंबर तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम से संबंधित जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। शिक्षक दिवस पर कल हुआ राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन। विद्यार्थियों के लिए प्रकृति द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और द्वीप समूह में कल से शुरू होगा गणेश चतुर्थी का पर्व। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।